हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की संशोधित अभ्यर्थना 2254 पदों पर 21 जून को विभाग द्वारा अधीनस्थ बोर्ड को भेज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की संशोधित अभ्यर्थना भेजी गई है अधीनस्थ बोर्ड को। चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की संशोधित अभ्यर्थना 2254 पदों पर 21 जून को विभाग द्वारा अधीनस्थ बोर्ड को भेजी गई है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की प्रक्रिया प्रोसेस में है, जिसकी वजह से विज्ञप्ति जारी होने में देरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की प्रक्रिया प्रोसेस में जिसकी वजह से विज्ञप्ति जारी होने में देरी हो रही है। जुलाई में विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मोटर वाहन उपनिरीक्षक की भर्ती की भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की संशोधित अभ्यर्थना 2254 पदों पर 21 जून को विभाग द्वारा अधीनस्थ बोर्ड को भेज दी गई है गई थी। जल्द से जल्द इन पदों पर भी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती भी जल्द से जल्द निकाली जाएगी। इसका विज्ञापन भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। जुलाई के अंदर इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए इतनी सारी काफ़ी बम्पर भर्ती आ रही, काफ़ी बड़े बड़े पदों पर भी भर्ती होने वाली। कृषि पर्यवेक्षक, RS भर्ती, JN, पटवारी, LDC और इसी राजस्थान पुलिस, काफ़ी बम्पर वैकेंसी हैं। इस साल आने वाली आपके लिए काफ़ी गोल्डन चांस है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। कृषि पर्यवेक्षक, RS भर्ती, JN, राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सारे RS इतनी बड़ी बड़ी भर्तियों का काफ़ी सारा का आयोजन कराया जाएगा। जल्द से जल्द विज्ञप्ति है। 2 साल है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अपने तैयारी को जान रखें, जी जान लगा कर मेहनत करें अपनी, ये हमसे उम्मीद है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे और आप अच्छे से अच्छे प्रेरणा रखेंगे। इन 2 सालों में आप अपना सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, इसलिए आप तैयारी जारी रखें। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की संशोधित अभ्यर्थी भेजी गई है। इसी के अलावा RS भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द से जल्द जारी होगी। उसके JN भर्ती भी जल्द से जल्द जारी होगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वही हो गया। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी भर्तियां हैं, विभिन्न भर्तियां हैं जो इस साल आयोजन कराया जाएगा। विभिन्न सारी इन 2 सालों के अंदर विभिन्न भर्तियों का आयोजन कराया जाएगा। बोर्ड द्वारा इन बोर्ड विभाग द्वारा इन बोर्ड को ये सारी अभ्यर्थना भेज दी गई है। जल्द से जल्दी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। RS भर्ती का भी जल्द से जल्द जुलाई के अंदर काफ़ी सारी विज्ञप्तियों का निकलने की पूरी पूरी संभावना है। जुलाई के अंदर बहुत सारी परीक्षा है। सितंबर के अंदर जो पिछली जो पुराने जो भर्तियाँ उनका एग्जाम पेंडिंग है, वो सितंबर माह में पूरे होने की संभावना है। पटवारी भर्ती परीक्षा भी सितंबर के माह के अंदर ही होने की संभावना है। इसी के साथ रीट भर्ती परीक्षा, जिसकी डेट 26 सितंबर निर्धारित की गई है, और RPSC द्वारा SI भर्ती परीक्षा 4 सितंबर को निर्धारित की गई। रीट की परीक्षा 26 सितंबर रविवार के दिन आयोजन होगी और SI की भर्ती की 4 सितंबर को आयोजन कराया जाएगा। दोस्तों आप पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। राजस्थान की जितनी भर्तियाँ और इंडिया की जितनी भर्तियाँ, सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।